हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हमें प्रॉफिट कैसे बुक करना है, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हम सभी परेशान हैं, और क्योंकि लॉकडाउन हो गया है और मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल हो गई है, और क्योंकि MCX की जो मार्केट है अगर वो वोलेटाइल हो जाती है तो वो इक्विटी की मार्केट को भी वोलेटाइल कर देती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर इक्विटी की मार्केट वोलेटाइल होगी तो वो कमोडिटी को भी इफ़ेक्ट करेगी। सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं शेयर मार्केट में। तो अभी दिक्कत यह है कि अगर हम बात करें MCX सेगमेंट की, क्योंकि हम मेजरली उसी पार्ट को जो है इस चैनल के ऊपर हम कवर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, अगर मैं क्रूड की बात करूँ तो क्रूड की बात करते हैं, उसके बाद हम सभी की बातें करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बुक कैसे किया जाए प्रॉफिट, और यहाँ पर कोई मैंने ये मेंशन नहीं किया कि क्रूड में सिर्फ कैसे बुक किया जाए प्रॉफिट, क्योंकि देखिए हम सबका जो शेयर मार्केट में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि हमें यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। अब किसी भी तरीके से अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, अभी क्या है कि क्रूड से जो पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, उसका एक रीज़न है कि आपकी जो एंट्री और एग्ज़िट है, यानी कि आपकी जो एंट्री और एग्ज़िट है, अगर वो थोड़ा सा भी, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आपने मतलब गलती किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो मैंने काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व की है कि आप लोग जो है इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्टॉप लॉस से जो है पैसा लगा रहे हो, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेके आप जो है ट्रेडिंग कर रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भूल जाते हो कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट साइड में आप अगर प्राइस गया तो वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट करके ऊपर चला जाएगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, और अगर वो नीचे की तरफ मतलब अगर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर स्पाइक बना रहा है तो आपका स्टॉप लॉस चाहे 40 का हो, 50 का हो, 30 रुपए का हो, 20 का हो, वो सभी के सभी हिट कर जाएगा। तो फिर अगर जब मार्केट में सिचुएशन इस तरीके की ही है तो क्यों ना हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में जाएं और कोशिश करें कि हम एक ऐसी एंट्री ले जहां पर हमें एटलीस्ट कम से कम अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं तो मिनिमम 10 रुपये का प्रॉफिट तो मिले ही मिले, या फिर अगर जो बहुत तगड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है प्राइस में, या एकदम से मार्केट पुश हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, तो हम वहीं पर प्रॉफिट उठाने का मतलब कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है या हो रहा है वो क्रूड में ही हो रहा है, क्योंकि इस टाइम अगर देखें कि बाकी सब चीज़ों की कंजप्शन जो है वो थोड़ा बढ़ी ही है, और क्रूड ऐसी चीज़ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो जिसकी कंजप्शन जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है, मगर क्योंकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में सब फैक्ट्रीज, सब ट्रांसपोर्ट सब बंद है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजप्शन इसकी कम हुई है, और उसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी हुई है इसका प्राइस कम होने के साथ साथ। तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो एंट्री और एग्ज़िट है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, राइट। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है लिमिट ऑर्डर के अंदर ये सब लेने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर को ही आप यूज़ कीजिए अगर आपको वोलेटिलिटी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है, उस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लिमिट ऑर्डर से ही पैसा कमा सकते हैं, राइट। आप लिमिट ऑर्डर से पैसा नहीं कमा सकते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होती है कि जब भी आप लिमिट ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपका 1518 रुपए का भी अगर प्राइस चल रहा है और अगर आपको लिमिट ऑर्डर में इसको बाय करना है तो या तो आपको 1518 में लिमिट ऑर्डर डालना पड़ेगा या फिर 17 में डालना पड़ेगा, और मार्केट आपको जो है अलाउ करती ही नहीं है कि वो इतने पे जाके आपको ऑर्डर दे, या तो प्राइस एकदम से नीचे चला जाएगा सीधा 1510 रुपये पे, तो आपको रिग्रेट फील होगा कि यार मैंने क्या गलती करी, मुझे नीचे लेना चाहिए था। और अगर आप 1510 पे ऑर्डर लगा देंगे तो उतने पे वो जाएगा ही नहीं, वो क्या करेगा, एक फटाफट से 18 पे अभी आपने नीचे ऑर्डर डाला ये सोच के कि एक बार स्पाइक नीचे मारेगा और सीधा 18 से सीधा जो है चला जाएगा 40 के ऊपर। तो ये इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आएंगी क्रूड के अंदर आपको, और बहुत ज़्यादा आ रही हैं ये। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट है क्रूड के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। पहली चीज़, आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए फायर्स के अंदर, क्योंकि यहीं पर आपको जो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है वो मिलेगा, राइट, स्टॉप लिमिट ऑर्डर मिलेगा। मगर अभी दिक्कत क्या है कि आप अपना प्राइमरी अकाउंट तो फायर्स को बना सकते हैं, मगर अभी फायर्स का क्योंकि 450 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है लास्ट जब
ज़ीरो पे गया था प्राइस, उसमें काफ़ी सारे जो है तकरीबन 1100 लोगों को का उस लॉन्ग यानी कि बाय के अंदर पोजीशन उन्होंने बना रखी थी, उसकी वजह से 450 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। तो वो अभी ब्रैकेट ऑर्डर और उन्होंने कवर ऑर्डर कर दिया है बंद। स्टॉप लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पर ले सकते हैं किसके अंदर, क्रू इसके अंदर फायर्स के अंदर, और यहाँ से आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि जो फायर्स है वो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है ब्रैकेट ऑर्डर का भी, कि आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर ही ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको डबल बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपका स्टॉप लॉस और आपका जो प्रॉफिट है वो भी मतलब फिक्स हो गया, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कितनी भी हाईली वोलेटाइल हो और वहाँ से आप जो है ईजिली प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये कि ब्रैकेट ऑर्डर लेने की वजह से जो ऑर्डर आपको बहुत महंगा मिलता था ज़रोदा जैसी कंपनी में, जो ऑर्डर जिसके लिए आपको रेगुलर के अंदर पूरा 60-70 हज़ार रुपये देना पड़ता था नॉर्मल मार्केट के अंदर, आजकल तो खैर 1.5-1 लाख रुपये देना पड़ता है, वहाँ पर ये सिर्फ 4-5 हज़ार में ही आपका काम चला देता था। स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और फायर्स तो आपके लिए प्राइमरी अकाउंट तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और सीखना है ट्रेडिंग की आर्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है। मगर अब नेक्स्ट अगर चीज़ पे मैं आऊँ तो वो ये है कि आजकल क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ ने तो ट्रेडिंग बंद ही कर दिया है और कुछ कंपनीज़ आपको अलाउ कर रही हैं रेगुलर ऑर्डर के अंदर, तो सबके लिए यही सजेशन है कि भैया देखो एज़ पर एज़ द गवर्नमेंट अगर कि मैं उनकी बात करूँ तो जो उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ की है तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे इंडिया के अंदर 3 जोन्स उन्होंने बनाए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो जब उनसे ये पूछा गया कि भाई जो ग्रीन जोन है वो आपने किस तरीके से इसको डिसाइड किया है कि कौन सा जोन जो है वो किस लेवल में आएगा, यानी कि कौन से ग्रीन में या ऑरेंज में या रेड में, तो गवर्नमेंट ने सीधा एक स्टेटमेंट दिया कि भाई इसके पीछे जो लॉजिक है वो सिंपली लॉजिक ये है कि जो भी जोन है यानी कि अगर ग्रीन जोन है तो वहाँ पर लास्ट जो है 60 डेज़ तक अगर कोई केस नहीं आया तो वो जो है ग्रीन जोन के अंदर है, और जहाँ पर तकरीबन 28 दिन तक कोई भी केस नहीं आया तो वो जो है ऑरेंज जोन में है, और जहाँ पर रेगुलर अभी केसेस आ रहे हैं तो वो तो रेड जोन में है ही। तो अगर मैं बात करूँ कि यानी कि गोवा या ऐसी बहुत सारे जो जगहें हैं राइट, जहाँ जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर जहाँ पर लास्ट 28 दिन से मिनिमम 28 दिन से जहाँ पे केस नहीं आया है और उनको ऑरेंज जोन में डाला गया, और जिनका मोर देन 28 डेज आप कह सकते हैं कि यानी कि तकरीबन 2 महीना, तो उनको उन्होंने ग्रीन जोन में डाला है। मगर अगर मैं दिल्ली, मुंबई या मेजर जो सिटीज़ हैं पुणे, महाराष्ट्र, इन सब की बात करूं जहां से पूरा का पूरा इंडिया का बिज़नेस चलता है राइट, अगर मैं उनकी बात करूं तो देखिए आप समझदार हैं, समझ के देखिए। जैसे अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं तो दिल्ली के अंदर अभी रेड जो है जोन है दिल्ली में, तो अगर मैं दिल्ली के रेड जोन की बात करूं कि अगर एक रेड जोन से अगर दिल्ली को ऑरेंज जोन में जाना है या महाराष्ट्र को अगर रेड जोन से ग्रीन ऑरेंज जोन में जाना है तो तकरीबन हमें 28 दिन चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक भी पूरा दिल्ली में एक भी केस जो है वो ना आए, यानी कि पूरा 28 दिन एक भी केस ना आए। तो पहली बात तो आप समझदार हैं कि अगर मैं कल की भी बात करूं तो 700 कुछ केसेस जो हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए हैं नए, तो सॉरी 778 केसेस जो है शायद रजिस्टर्ड हुए हैं यहां पर नए, और शायद मैं अगर करेक्ट हूं तो इतना 100 के आसपास आप जो है ना वो एवरेज लगा सकते हैं राइट। तो यहाँ पर दिल्ली में कल ये है, तो आप सोच के चलिए, समझदार हैं आप, सोच के चलिए कि अगर दिल्ली को रेड जोन से अगर ऑरेंज जोन में आना है तो यानी कि उसको 28 दिन तक लगातार एक भी केस उसका नहीं आना चाहिए, और अगर ऑरेंज जोन में आ भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ दुकानें जो हैं आपकी जो शॉप्स हैं जो मेजर शॉप्स हैं थोड़ी सी बड़ी सिर्फ वही खुलेंगी ताकि आपकी जो बेसिक लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल हो सकें, और फिर ऑरेंज से ग्रीन के आने के लिए फिर से आपको 28 दिन चाहिए ताकि आपका एक भी केस ना आए, और अगर गलती से भी एक भी केस आ गया तो वो आपके 28 दिन ख़राब हैं, वहाँ से फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आज है हमारा अगला लॉकडाउन जो चलेगा वो 15 तक चलेगा, तो अगर आप मान के चलिए कि 15 के बाद अगर आप वापस 30 दिन काउंट करते हैं तो ये तकरीबन पहुंच जाता है जून के अंदर अगर एक भी 15 जून तक अगर एक भी केस नहीं आता है, एक भी केस नहीं आता दिल्ली में, तो इसको 15 तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा कि ऑरेंज जोन में है, और उसके बाद जुलाई के अंदर 15 जुलाई तक अगर फिर से एक भी केस नहीं आया तो ये डिक्लेयर होगा कि इंडिया जो दिल्ली है वो ग्रीन जोन में है। अब आप समझदार हैं कि मुझे तो नहीं लगता जहां पर डेली 100 केसेस आ रहे हैं, तो आप 100 केसेस जहां पर आ रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मई 15 तक यहां पर दिल्ली में एक भी केस नहीं आएगा। अगर 15 मई तक दिल्ली में एक भी केस नहीं होगा जब जाके वो जुलाई 15 को तब जाके यहाँ दिल्ली में ग्रीन जोन स्टैब्लिश होगा, इसको बोला जाएगा ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी। तो आप भी समझदार हैं, आप भूल जाइए, तकरीबन मान के चलिए हो सकता है कि जून के लास्ट में जाके कहीं पर दिल्ली में जो है जून के लास्ट में जाके या जुलाई के लास्ट में जाके
जो है यहाँ पर या जुलाई के मिड में जाके यहाँ पर शायद ये बोला जाए कि अब जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो है अब लोग जो है वो नहीं नहीं निकल के आ रहे हैं, कुछ इक्के दुक्के ही केसेस निकल के आ रहे हैं, तब जाके जो है दिल्ली जो है ऑरेंज जोन में आ पाएगी। उसके बाद आप जुलाई के बाद सोचिए कि जुलाई के बाद जो है 28 दिन के बाद जो है दिल्ली वापस ग्रीन जोन में ऑरेंज जोन में आ पाएगी। तो इस तरह का जो सिनेरियो है वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत लंबा चलने वाला है, जिसकी वजह से क्या है मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल रहेगी। और मैं आपको बता दूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा गिरने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अब तक लोगों को लग रहा था कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी 3 मई को चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा साल जो है ऐसे ही जाएगा, आप भूल जाइए। जो है जिन स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे उत्तराखंड है या फिर गोवा है, ये टूरिज्म प्लेसेस हैं जहाँ पर जो नो पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे का घर बहुत दूर दूर है, राइट। ये पूरा का पूरा टूरिज्म पे डिपेंड करता है, वहाँ पर जितना भी क्राउड होता है वो टूरिस्ट का होता है। तो अभी इसीलिए इन स्टेट्स के अंदर जो है कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं है। जैसे मणिपुर है, ये पहाड़ी एरिया है, एक घर यहाँ पर है तो दूसरा 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं होता है। हमारा जो क्राउडेड शहर्स हैं वहाँ पर ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होने वाली हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए गाइस अगर आपको जो है इस चीज़ों से निकलना है तो आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए आस्था के अंदर। आस्था के अंदर ही आपको इंडिया में हाईएस्ट मार्जिन अभी प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें काम तो चलाना ही है। तो आप आस्था में अपना अकाउंट ओपन करके अपना काम चलाइए, और जब तक आपका काम चल रहा है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक आप आस्था यूज़ कीजिए। जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो आप अपना प्राइमरी अकाउंट जो है वो फायर्स जो आप पहले यूज़ करते थे उसी को आप कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या क्या, ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो आपको बताऊंगा कि देखिए इस सिचुएशन के अंदर जो है आप सिर्फ और सिर्फ क्रूड पर डिपेंडेंट मत रहिए, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे थ्रू जो है अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फ्री लेवल सर्विस भी जो है मिल जाती है। तो यहां पर आप नेचुरल गैस में कर सकते हैं, जिंक में कर सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड में कर सकते हैं, राइट। और जो है इन सब में आप कर सकते हैं, 3 से 4 जो है काफ़ी अच्छे सेगमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, राइट। तो इन सब में भी आप कर सकते हैं क्रूड के साथ साथ, और छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू जो है अगर खुलवाते हैं अकाउंट तो आपको मिलती है फ्री सर्विस। और अभी मैंने एक और सर्विस भी लॉन्च की है, यानी कि अब तक आपको 12 बजे तक तकरीबन आफ्टरनून के अंदर आपको फ्री लेवल्स मिलते थे, राइट। अभी आपको जो है आफ्टरनून के पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी हम एक और नई सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 बजे की 5 o'clock में फ्री लेवल सर्विस आपको मिलेगी। मगर इसका एक सिंपल अगर क्राइटेरिया कि मैं आपको छोटा सा बताऊं कि जब से मिलेगी तो मैं इसका पूरा का पूरा आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर की किस तरीके से आप इस फ्री सर्विस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। मगर अभी जो 12 बजे जो सर्विस मिलती थी, मैं इन लोगों में से, यानी कि जो हमारे 257 मेंबर्स हैं, और इन 257 मेंबर्स में से जो भी 75%, यानी कि मोर देन 70% आप लगा के चलिए कि महीने में तकरीबन मोर देन 70-75% अगर ट्रेडिंग बंदा करता है, यानी कि तकरीबन मिनिमम 21 दिन में से 15 दिन मान लीजिए बंदा ट्रेडिंग करता है और हाईली एक्टिव पाया जाता है कि हाँ ये बंदा सीरियस ट्रेडर है और ये डेली ट्रेड करता है, तो उसको ये सर्विस जो है हम फ्री में देंगे। क्योंकि जो बंदा ट्रेड करता ही नहीं है, राइट, जो बंदा ट्रेड करता ही नहीं है और सिर्फ अकाउंट ओपन करने के बाद इस सर्विस का बेनिफिट उठाना चाहे, तो हम उसको नहीं देंगे बेनिफिट। उसके लिए सर्विस किसी काम की नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते ही नहीं है तो फिर आपको सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप हाईली एक्टिव पाए जाते हैं क्रूड बुल के साथ, राइट, और आप जो है क्रूड बुल के साथ जो आपने अकाउंट ओपन किया है वो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको जो है 5 बजे के भी लेवल्स आपको फ्री मिलेंगे। इससे जिससे कि क्या होगा कि आप शाम को जो वोलेटिलिटी आती है मार्केट के अंदर US मार्केट की वजह से, उसका भी बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये आपको मिल जाते हैं बेनिफिट यहाँ से, राइट। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अगर आप फायर्स में खुलवाते हैं तो वहाँ पे तो अभी तो रेगुलर ऑर्डर ही मिल रहा है, मगर अगर आस्था की हम बात करें तो यहाँ पर अभी आपको अच्छे खासे मार्जिन अभी मिल रहे हैं आपको। और अगर मैं मार्जिन की बात करूं, मार्जिन पे मैं क्लिक करूं आपको, तो M6 के सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो M6 में देखिए आप भी यहां से मार्जिन चेक कर सकते हैं asa.com पे जाके। और यहां पर देखिए अभी क्रूड का जो उन्होंने तो बोल दिया वेरिएबल रहेगा, यानी कि डेली डिपेंड करता, 29 तारीख को 3,500 रुपये का एक लोट था, उसके बाद 30 तारीख को उन्होंने बोला, 30 तारीख को तकरीबन 8,200 का लोट था, और अभी वापस उन्होंने 3,500 रुपये एक लोट किया है, राइट। क्योंकि प्राइस अभी बढ़ गया है तो वोलेटिलिटी थोड़ा सा शायद कंट्रोल में आए, तो उस हिसाब से उनकी स्टेटमेंट यही है। तो इन्होंने क्रूड का प्राइस कहा है कि डेली की डेली डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या होगा मार्केट को देख के। बाकी भी देखिए, अगर आप गोल्ड का पूरा लोट देखेंगे तो सिर्फ 25,000 में पूरा गोल्ड का लोट आ रहा है, कॉपर का देखिए सिर्फ 10,000 का आ रहा है, सिल्वर का 1100 का आ रहा है,
निकल का 26,000 का आ रहा है, गोल्ड मिनी का देखिए, मिनी क्योंकि हम तो मिनी में ही करते हैं, पूरा गोल्ड का तो हम ले नहीं सकते हैं जो छोटे रिटेल ट्रेडर है, गोल्ड मिनी का सिर्फ आपको 2,500 में एक लोट मिल रहा है, एलुमिनियम का 1,000 में मिल रहा है, नेचुरल गैस का 3,500 में मिल रहा है, सिल्वर का एक सिल्वर मिनी का 1,000 में मिल रहा है, सिल्वर मिक का 500 में मिल रहा है। तो आपके पास बहुत सारे जो है यहाँ पर देखिए कितने सस्ते प्राइस में आपको मिल रहा है, और अपना काम चलाइए राइट। जब तक मार्केट ऐसे रहेगी तकरीबन पूरा साल, जब तक अपना आस्था से काम चलाइए, उसके बाद जब मार्केट नॉर्मल होगी तब देखेंगे कि किस में हम यूज़ करें, और हो सकता है कि कुछ 3-4 महीने बाद हो सकता है कि वापस फायर्स जो है अपना ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर वापस इनेबल कर दे, जो पैसा उसका मार्केट में फंसा है वो वापस रिकवर हो जाए, और वापस वो ब्रैकेट ऑर्डर अगर अपना कवर ऑर्डर यू नो अपना रिज्यूम कर देता है तो आप वापस वहीं पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 4-5 हज़ार में या 6,000 में जो है आपको एक लोट मिल जाता है इस सिचुएशन में, या मैक्सिमम आपको अगर 10,000 में भी मिल रहा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आप फ्री सर्विस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो होप मैंने जो ये था आपका कि किस तरीके से आपको करना है कि हाउ टू बुक अ प्रॉफिट इन लॉकडाउन, तो मैंने आपको उसमें समझाने की कोशिश की है। और देखिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मुझसे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करूँगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जब आपको फ्री में कोई सर्विस मिल रही है और आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पर आप खरीद सकते हैं, कहाँ पर आप बेच सकते हैं, तो फिर आप उस चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं उठा रहे हैं। जब आप मेरे साथ किसी उम्मीद से जुड़े हैं कि ये आदमी जो है सही बताता है, ये आदमी सही एनालिसिस करता है, तो जब मैं आपको एनालिसिस करके डायरेक्टली बता ही रहा हूँ कि ये कर लीजिए, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठाइए और जो है उसका उसको यूज़ कीजिए राइट। और जो फ्री सर्विस चाहता है वो फ्री भी ले सकता है, और हमारी जो पेड सर्विस है वो आपको पता ही है, हमारी जैकपॉट कॉल सर्विस है, पोजिशनल सर्विस है, और इंट्राडे सर्विस है। जो उसका बेनिफिट उठाना चाहता है उसका भी उठा सकता है, और चाहे बाद में वो, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्री मेंबर्स होते हैं जो फ्री सर्विस को यूज़ करके बेनिफिट उठाते हैं और बाद में फिर वो पेड में भी जुड़ते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए होप आप समझ गए होंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए, और मैंने आपको बताया कि अगर मार्जिन की दिक्कत है तो आप आस्था में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और हमारी फ्री सर्विस का बेनिफिट उठा के आस्था को यूज़ कीजिए, और सारे के सारे आपको लेवल जो है यहाँ पर मिलते हैं, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो मुझे हाईली जो एक्टिवली एक्टिव यूज़र मुझे मिलेगा, यानी कि 257 मेंबर्स अभी हमारे पास हैं, अगर इसमें जो भी एक्टिव मेंबर्स हमें मिलेंगे और दिखेंगे कि जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ, उनको हम जो है 5 o'clock की भी फ्री जो लेवल सर्विस है वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाईली एक्टिव मेंबर्स को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।